भाजपा भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया ने भाजपा नेताओं के साथ डायरिया प्रभावित कैंप क्षेत्र का निरीक्षण किया। भाजपा अध्यक्ष ने मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की और प्रदेश सरकार से परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया ने भाजपा नेताओं के साथ डायरिया प्रभावित कैंप क्षेत्र का निरीक्षण किया। भाजपा अध्यक्ष ने नालियों में फैली गंदगी और अव्यवस्थाओं को देखा। पर्याप्त सफाई नहीं होने पर अपनी नाराजगी जताई। ब्रिजेश बिजपुरिया ने मृतक परिवारों के परिजनों से काफी देर तक चर्चा की और मृतक के कार्य के बारे में जानकारी ली। साथ रहे भाजपा नेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण को लेकर भाजपा अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। स्थिति तो आपने साथ में देखी है, कितनी गंदी स्थिति है। पूरी नालियाँ भरी हुई हैं। इतना हल्ला होने के बाद, कलेक्टर के दौरे के बाद आज ये स्थिति है, और उसके पहले क्या स्थिति रही होगी। आज ये जो डायरिया हुआ है, डेंगू का भी एक मरीज यहाँ मिला है, छोटा 6 साल का बच्चा। तो स्थिति भयावह होने वाली है, और इस बीच में अगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने काम नहीं किया तो जो भयावह स्थिति होगी उसके पूरे जिम्मेदार होंगे। आप जगह 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 पानी की पाइपलाइन और सेवेज पाइपलाइन दोनों मिली हुई है, और तो इससे गंदा पानी घरों में पहुंच रहा है। वही गंदा पानी लोग पीने में मजबूर हो रहे हैं। तो ये पानी पियेंगे तो आज बताइए किस बीमारी से बच पाएंगे। सारी बीमारियां इन लोगों को घेरेगी और स्थिति भयावह होगी, जिसके जिम्मेदार पूरी तरह से नगर प्रशासन, मतलब नगर निगम प्रशासन होगा, जिला प्रशासन होगा और स्वास्थ्य विभाग होगा। और इसलिए मैं तीनों से इनको चेतावनी भी देता हूँ और इनसे मांग करता हूँ कि युद्ध स्तर पर यहाँ पर साफ सफाई करें, पानी की सही व्यवस्था करें, स्वच्छ पानी लोगों को मिले। और जो प्रपो गड्ढा कर रहे हैं 2 दिन से कि स्वच्छ पानी यहाँ मिलने लगा, स्वच्छ पानी यहाँ मिलने लगा, अब आप देख रहे हो पूरे दौरे में कहीं कोई स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, गंदगी फैलती जा रही है। और बस यही मेरी निवेदन है, निवेदन भी है, चेतावनी भी, सब कुछ है जिला प्रशासन से और नगर निगम प्रशासन से। और जो मृतक परिवार है उसको भी मुआवजा दिया जाए। आज उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, और इनका अगर मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो बच्चे अपना कैसे पेट पालेंगे, कैसे इनका भविष्य आगे बढ़ेगा। इसीलिए इनको अधिकतम मुआवजा प्रदान किया जाए। बहरहाल इस अवसर पर विभिन्न वार्डों के भाजपा पार्षदों सहित भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।